नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल चौधरी और मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ सेशन नंबर 230। आज का जो अपना डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस है उसमें हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर। बेसिकली अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो स्कूल एजुकेशन के ऊपर रिलेटेड है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज स्कीम से। GS पेपर 2 में रिलेवेंस सबसे ज़्यादा है। टॉपिक आपको दिख गया होगा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। COVID-19 के बाद एजुकेशन में बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। पिछले 16 महीनों से स्कूल्स बंद हैं। आई होप कई बच्चे तो ये भी भूल गए होंगे कि प्रार्थना कैसे करनी है, कि स्कूल में जाके जो डेली सुबह के जो आर्स में जो प्रेयर्स होते थे वो भी भूल गए होंगे कि उनके लिरिक्स क्या हैं और कैसे कैसे क्या करना है। और अब जब बच्चे स्कूल जाएंगे, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि कल से अगर स्कूल खुल जाए तो बच्चे जब जाएंगे दोबारा स्कूल तो उनको बहुत ही ऑड लगेगा। ऊपर से जो बस सर्विसेज होती थी, जो बस वाले भैया होते थे बच्चों को लाना ले जाना स्कूल बस, उनके भी मतलब बहुत ही बुरी हालत हो रखी है। दे आर स्ट्रगलिंग टू मीट देयर एंड्स। साथ ही साथ जो इतने बड़े बड़े अच्छे स्कूल बनाए गए हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, उसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा, मैक्सिमम आउटपुट पर उसका यूज़ नहीं हो पा रहा, राइट? तो बहुत सारी कमियाँ हैं। इसको देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उन्होंने फैसला लिया कि हम स्टेट्स के साथ मिलकर इन कमियों को दूर करेंगे, खासकर स्कूल एजुकेशन। क्यों लिया स्कूल एजुकेशन ने, क्यों लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड के बाद देखिए क्या हो रहा है कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात करें तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इरोड हो रहा है। उसको देखते हुए भी मेरे ख्याल से ये एक रहा होगा जहन में यूनियन मिनिस्ट्री के कि हम स्टेट्स के साथ मिलकर काम करें। और जो सबसे पहला उन्होंने सेगमेंट चुना वो चुना एजुकेशन। वाई एजुकेशन? क्योंकि एजुकेशन ही आपको एक अच्छी वर्कफोर्स तैयार करके देता है। एजुकेशन से काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब बनती हैं, स्किल्स डेवलप होते हैं और आप जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका एक्चुअल में यूज़ आप कर सकते हैं। तो आइए इनको कुछ समझते हैं कि जो PGI है, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स है, इसको रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है स्टेट्स एंड यूटीज़ के लिए। तो आज के लिए आपका पहला सवाल कि भारत में कितने स्टेट्स एंड कितने यूटीज़ हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे नेताओं को स्टेट्स का नहीं पता है, नेशनल टीवी पे आके गलत नंबर आंकड़े बता रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग आंसर ज़रूर कीजिएगा कि हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूटीज़ आर देयर इन इंडिया। जो काम क्या करेंगे वो देखेंगे स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन स्टेट्स एंड यूटीज़, यानी इस इंडेक्स के जरिए स्कोर असाइन किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस किस सेगमेंट में, किस किस डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या क्रिटिकल एरियाज़ है, परफॉर्मेंस कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इनकी मैथडोलॉजी भी मैं आपको बताऊँगा। अब इस इंडेक्स में क्या है कि इस इंडेक्स में है 70 इंडिकेटर्स, ध्यान रखना है आपको, और उनको बांटा गया है दो कैटेगरी में विद अ मैक्सिमम स्कोर ऑफ 1000। और 951 से 1000 का जो स्कोर होता है ये हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्कोर होता है। और फिलहाल इस इंडेक्स में, इस कैटेगरी में, हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्कोर, इस स्कोर कैटेगरी में कोई भी स्टेट नहीं आया है। पंजाब, तमिलनाडु, केरला, इन लोगों ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है, साथ में अंडमान निकोबार को भी जोड़ दीजिए, वाइल मेघालय एंड लद्दाख आर एट द बॉटम। अब इस इंडेक्स को लाया क्यों गया? इस इंडेक्स को इसलिए लाया गया ताकि जो स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम है उसमें हर एक लेवल पर जो जो चीज़ें चाहिए, जो भी मतलब ये वाला वर्क हमारा पहले प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ये सारे गैप्स आ रहे हैं। जैसे कि अभी स्कूल कोविड जब आया था तो हमारा ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ था, फोन्स की प्रॉपर दिक्कत थी, डिजिटल यानी इंटरनेट पेनिट्रेशन उतना ज़्यादा नहीं था। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, दीज आर द गैप्स। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू पिन पॉइंट दैट गैप्स एंड अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज द एरियाज इन अ वेरी इन एवरी लेवल ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम। अब इसको इनिशिएट कौन कर रहा है? तो मैंने आपको बता ही दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनिशिएट कर रही है, लेकिन कई बार एग्जाम्स वगैरह में ना डिपार्टमेंट वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप नाम याद रखेगा डोसेल। क्या नाम याद रखेगा? डोसेल, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, वो इसको जो है इनिशिएट कर रही है। क्या भारतीय सरकार ने स्कूल एजुकेशन के लिए के कुछ और भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं? तो आंसर इज येस, कुछ हैं। जैसे पहला आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है नेशनल अचीवमेंट सर्वे नास, तो मतलब जो भी स्कूल एजुकेशन को हार्म पहुंचा रहा है उसका नाश करना है, मतलब ये नहीं है इसकी मतलब बातें। पीरियडिक नेशनल सर्वे ऑफ लर्निंग अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन क्लासेस 3, 5, 8 and 10 कंडक्टेड बाय NCERT। तो लर्निंग अचीवमेंट क्या है, थोड़ा ऐसे होता है ना इंटरनल असेसमेंट, ये असेसमेंट का आजकल बड़ा ज़्यादा खेल चल रहा है कि असेसमेंट के बेसिस पे ही मार्क दिए जाएंगे। CBSE ने भी बोला भी है कि क्लास 12th के जो रिजल्ट है हम 28 जून तक सारा कुछ क्लियर कर देंगे, असेसमेंट वगैरह पूरा कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास PISA, प्रोग्राम फॉर स्कूल असेसमेंट, इसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है, ये कंडक्ट होता है OECD जो नेशंस हैं
वो कंडक्ट इसको कराती हैं, तो इसमें भी मतलब हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है ये। फिर आपका दीक्षा पोर्टल है जिसमें बहुत ही हाई क्वालिटी के पीडीएफ वाले जो लर्निंग मटेरियल है वहाँ पे रखे हुए हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग। फिर आपका शगुन पोर्टल हो गया इसी तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स जो हैं स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ने उठाए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स को याद रखिएगा, कौन इसका मतलब इनिशिएटर है इसको याद रखिएगा। हाईएस्ट स्कोर गैप ये है, इसमें कोई भी स्टेट नहीं आया है। हाईएस्ट स्कोर विड्थ ये है, बैंडविड्थ ये है, इसमें कोई भी स्टेट नहीं है। क्लियर? चलिए अब इसकी मेथोडोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 70 इंडिकेटर है और उनकी दो कैटेगरी बना दी गई है, कैटेगरी वन कैटेगरी टू। कैटेगरी वन किससे रिलेटेड है? आउटकम, आपकी लर्निंग आउटकम क्या है, अगर आप कहीं कुछ सीख रहे हैं तो उसका आउटकम क्या है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट और मैनेजमेंट का क्या काम है इसमें। अब आउटकम में इन्होंने डोमेन बताया है कि लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी, दूसरा एक्सेस कितना है, तीसरा ये लेवल सारे सेटअप किए गए जैसे लेवल मैं आपको बता रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो रही है। डोमेन फॉर इक्विटी कितनी है, क्योंकि अभी जो समाज एकदम हो रहा है, SDG का अगर गोल नंबर 10 देखें, SDG का गोल नंबर 10 क्या कहता है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। तो अभी जो भारत में जो समाज हो गया है वो काफ़ी अनइक्वल हो गया है, पैंडेमिक के बाद तो बहुत ही ब्रूटैलिटी से इनइक्वालिटी बढ़ी है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इक्विटी को भी यहाँ पे डोमेन 4 में लाया गया है। फिर यहाँ पर कैटेगरी 2 में जो गवर्नमेंट मैनेजमेंट का काम है, तो गवर्नेंस प्रोसेसेस, तो यहाँ पे देखिए कितना कम काम किया है और यहाँ पे कितना ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनको तो बस खाली पीछे से बैक मैनेजिंग ही करनी है, बाकी तो सारा कुछ डिपेंड आपके आउटकम और आपके जो लेवल्स आपने बनाए हैं उस पर करता है। तो ये 70 इंडिकेटर्स हैं, इसको थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी मतलब अच्छा चार्ट है, तो मैंने आपको ये समझा दिया। साथ ही साथ SDG के गोल नंबर 10 भी आपको समझा दिया। दूसरा आप ध्यान रखिएगा कि दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि SDG जो है इसके 17 गोल्स हैं, ये तो हमको मालूम ही है, ये तो सवाल मैं पूछूंगा, इसका गोल नंबर 1 क्या है? आप कमेंट थ्रेड में लिखें कि व्हाट इज़ द गोल नंबर 1 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच आर 17 इन नंबर्स और फिगर्स। कुछ और न्यूज़ क्लिप्स आपके लिए, चाइना होस्ट आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स, तो चाइना जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है 10 आसियान की उसको होस्ट कर रहा है। चाइना अपनी एक पॉलिसी वहाँ पे बनाने के लिए चाह रहा है, क्योंकि अब चाइना थोड़ा सा लिबरल होता जा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार काफ़ी कुछ हो गया, हमारी तरफ से कोविड भी गया, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, ये बाइडन वाले हमारे पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे आसपास के जो आसियान नेशंस है, ब्रुनेई जैसे नेशंस हो गए, तो ये सारे नेशंस भी मतलब हमसे काफ़ी खफा है, साउथ चाइना सी की मैं बात कर रहा हूँ, 9-line आपने पढ़ा होगा। तो उसको देखते हुए बहुत ही लिबरल पॉलिसी अब चाइना जो है लेके आ रहा है, हंसते खिलते ज़्यादा मतलब दादागिरी अब नहीं करना चाह रहा अब, तो ये तो हेड्स ऑफ टू चाइना ही है, क्या कर सकते हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन था देश के प्रति, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, फ्री जैब्स, कैपिंग प्राइस, लाइव्स लॉस्ट इन द पाइपलाइन और फ्री राशन फॉर पुअर। तो दिवाली तक 800 मिलियन पीपल का मतलब कितने हो गए, 800 मिलियन का मतलब हो गया 80 करोड़ राइट, 80 करोड़ जो लोग हैं उनको दिवाली तक राशन दिया जाएगा, ये मोदी जी ने बोला है। तो ये आप चार्ट देख लीजिएगा, बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया। तीसरा, इंडिया में हैव लॉस्ट 3% ऑफ GDP ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। वायरस का कहर अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ये जो दूसरा बहुत बड़ा डेंजर है वो सामने है, मतलब अगर मैं वायरस को यहाँ रखूँ, वायरस प्रॉब्लम, तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। ये इम्पैक्ट इतना नहीं कर रहा है, लेकिन जब ये करेगा तो फिर सिविलाइजेशन इसको सह भी नहीं पाएंगी, ये इतिहास में लिखा हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है, इतिहास की सभ्यताएँ मतलब जो हैं गायब हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये तो सिर्फ 3% ऑफ GDP की ही आर्टिकल बात कर रहा है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, देख के पढ़ लीजिएगा, काफ़ी कुछ इसमें जो है आंकड़े वगैरह हैं, और इसको जिस एजेंसी ने बनाया है ODI करके जो है वो है रिपोर्ट बाय थिंक टैंक ODI, तो ये एजेंसी ने बोला है कि कम से कम 3% का GDP लॉस होगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है? चलिए हमारे सेशन में इतना ही, मेरे साथ कुछ कोर्सेज, बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए, इसको आप देखिए, एनरोल कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।